खरीदे हुए रिव्यूज तो आ गए, लेकिन अभी आएगा आम आदमी का रिव्यू, क्योंकि जब एक आम आदमी बोलता है तब एक आम आदमी को भरोसा होता है। कैसे लगे आपको क्रू? हेलो वन मनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। क्रू रिलीज हो गई है, करीना तब्बू एंड कृति हमारे साथ में, हमारे आम आदमी क्रिटिक, क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। खरीदे हुए रिव्यूज तो आ गए, लेकिन अभी आएगा आम आदमी का रिव्यू, क्योंकि जब एक आम आदमी बोलता है तब एक आम आदमी को भरोसा होता है। कैसे लगी आपको क्रू? पिक्चर में सिर्फ हीरोइन है, हीरो कोई नहीं है। तीन हीरोइन दिखाई है, खूबसूरत हीरोइन दिखाई है। सबसे बड़ी है तब्बू, उसके बाद आती है करीना, उसके बाद है कृति जी। तीनों को हॉट बताए इस फिल्म में। ओके, क्रू है, एयर होस्टेस है जी। कुछ रियल है, कुछ फेक है, मतलब कुछ इस तरह से बताया कि विजय माल्या साहब जो जेट एयरवेज में थे, मतलब निकल जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कुछ एयरलाइंस उनकी पगारें कम मिलती है, कटौती होती है, वो कुछ बताया। उनकी इंटरनल प्रॉब्लम भी होती है कि लाइफ में अगर पगार कम होगी तो क्या करें। इस वजह से कुछ ये लोग झोलमाल भी करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं ये हीरोइन लोग, इस तरह से बताया। लेकिन क्लाब इंटरनल के बाद जो बताया विजय माल्या साहब, उनका नाम नहीं लिया है, उन्होंने विजय माल्या का वालिया कर दिया जी। इतने बड़े जो है वालिया साहब वो चले जाते, ये इनको लूटने को जाते हैं। अच्छा, तो वहाँ कहानी जमी नहीं कुछ। ओके, जहाँ तक एरोशन में कुछ ना कुछ करते वहाँ तक ठीक था। हाँ, तो छोटी मोटी स्मगलिंग ये वगैरह वहाँ तक ठीक लगा। ओके, पर विजय माल्या को किडनैप करना, प्लेन हाईजैक करना, इतने बड़े फाइव स्टार होटल में जहाँ सीसीटीवी कैमरा होता है, फिर भी लोग अपने मतलब क्या बोलते हैं उनका कार्ड, उनका की, ये मतलब चोरी करके सब वो जमा नहीं, जमा नहीं। अच्छा, सेकंड हाफ नहीं जमा है, मतलब किसी को जमेगा ही नहीं। ओके, ये तो हो ही नहीं, इम्पॉसिबल है। ओके ओके, ये लड़कियां कुछ करे मतलब वो जमा नहीं। तो धर्म पाची जो चोरी करते थे वो बात अलग थी, और ये आज के जमाने में करना बहुत बड़ी बात है। ओहो, तो वहाँ कुछ जमा नहीं। ओके, फर्स्ट हाफ ठीक है, फर्स्ट हाफ ठीक है। गाने कैसे पिक्चर के? गाने ठीक ठाक है, रीमेक गाने सब, तो इतना मजा नहीं आया। बाकी हीरोइन ने अपना काम तो अच्छा किया है। अच्छा, तब्बू, करीना और कृति ने तो मतलब अपना बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बोलते उस हिसाब से पेश किया है। एकता कपूर की पिक्चर, और क्या हो गया, बराबर ये सब है। ओके, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है, अच्छी है। दो घंटे की पिक्चर है, वो भी अच्छी बात है, पर कुछ जमा नहीं। हर जमा नहीं है। ओके, डायलॉग वायलॉग है, डायलॉग ठीक है, वल्गर डायलॉग है। हीरोइन का डायलॉग वल्गर डायलॉग है। ओके, तो फैमिली ऑडियंस तो नहीं आएगी। वो सेंसर किए, सेंसर ठीक इतना नहीं किया, मतलब ओके ओके है। दिलजीत आते हैं स्पेशल अपीयरेंस, और कपिल शर्मा भी दिखे, कपिल शर्मा भी दिखे। कपिल शर्मा ने कॉमेडी नहीं की। अबू के हस्बैंड है, उसका भाई जो बोलते साला, पता है किस काम का है, बोलते कुछ काम का ही नहीं, बोलते घर में बड़ा बड़ा तेरे पगार खा रहे। ओके, तो कपिल शर्मा इतना काम नहीं है। दिलजीत एक ऑफिसर बताए, ठीक ठाक काम है। ओके, एक गलती उन्होंने कर दी एंड में, क्लाइमेक्स में बादशाह, दिलजीत और तीनों हीरोइन का गाना चल रहा है पब्लिक बाहर। पब्लिक आई थी आज, छुट्टी का दिन है, गुड फ्राइडे थी, आज छुट्टी पसंद था आज। ओके ओके, क्या लग रहा है, चल पाएगी बॉक्स ऑफिस? मुश्किल लग रहा है, एवरेज, मैं तो एवरेज बोलूंगा फिर भी। ये पिक्चर पेश की अच्छी तरह से, लेकिन जो विजय माल्या का टॉपिक डाल दिया ना, वहाँ गड़बड़ होगी, वहाँ पे और करना था। थोड़ा सा ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं हमारे आम आदमी क्रिटिक विजय जी। पांच में से क्या रेटिंग रहेगी? आपने एवरेज तो बोला है। एवरेज ही बोलूंगा कि मेकिंग अच्छी है, कोशिश की अच्छी जी, लेकिन थोड़ा डगमगा गया, डगमगा गई है। ओके, बॉक्स ऑफिस पे थोड़ी बहुत मुश्किल है इस क्रू को चलने के लिए, ऐसा बोल रहे। अब मिलेंगे हम वीकेंड बॉक्स ऑफिस पे, जब इसका कलेक्शन आएगा, और जान के लेंगे आपका ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन। थैंक यू बोलूंगा विजय जी, द मोस्ट ऑनेस्ट रिव्यू हमारे आम आदमी का आप लोगों ने देखा है। डिसाइड करिए पिक्चर देखनी है या नहीं देखनी है। थैंक यू।